जैतवन विहार में ही ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको रची गई थी। और इसका कारण था एक भिक्षु। ऐसा हुआ कि वो भिक्षु जो है वो अपनी पहले की जो भार्या है, पत्नी, जिसको छोड़ करके वो प्रव्रज्ञा ले ली है, लेकिन उसके मन में ये लोभ पैदा हो रहा है अपनी पूर्व पत्नी के प्रति, और उस वजह से उसका मन उत्कंठित है, साधना में मन नहीं लग रहा, और ये धर्म सभा में चर्चा का विषय बन जाता है। चर्चा का विषय इसलिए बनता है, कोई आवश्यक नहीं कि उसकी पत्नी को लेकर के बात हो रही हो, वो उससे जो प्रबंधकीय समस्याएं पैदा होती हैं उस वजह से भिक्षु उसकी चर्चा करते हैं कि मतलब जो साधना के जो नियम हैं, जो समय है, उस पर न पहुंचना, उसमें पूरी रुचि न लेना, और ये और लोगों को भी उससे एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, एक दूसरे लोगों में भी एक अनुत्साह पैदा होता है, तो साधना के प्रति जो लगन होनी चाहिए वो क्षीण होती है। तो ये बात जब शास्त्र आकर पूछते हैं कि भिक्षु क्या बातचीत चल रही है, आप देखेंगे कि हर जातक कथा में इस तरह से आता है, वर्तमान कथा में कि शास्त्र आकर पूछ लेते हैं कि भिक्षु क्या बातचीत चल रही है, अथवा मैं देखता हूँ कई जगह इस तरह आता है कि वो शिकायत आई है, अस्थवीर ने या किसी ने शिकायत की है, तो वे भिक्षु को बुलाकर पूछ लेते हैं कि भिक्षु क्या तू सचमुच में उत्कंठित है, और भिक्षु अगर उसे स्वीकार करता है कि हाँ भंते ऐसा है, तो शास्ता को ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति ने थोड़ा अपना आत्मावलोकन किया है, थोड़ा विचार किया है उस बात पर, और उसके मन से ये स्वीकार हो रहा है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। तो अब एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर इसका उपचार किया जा सकता है, तो उसे उस तरह की कहानी सुनाएंगे ताकि उसका मन जो है वो उस आसक्ति से ऊपर आ जाए और उसे पता लग जाए कि बुद्ध शासन में वो है और एक वो उच्चतर अवस्था प्राप्त करने जा रहा है, एक सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठकर मोक्ष की तरफ चल रहा है, तो एक नया उत्साह उसमें, या वो जो रास्ता भटक गया है, जो डेविएशन है, जिस तरह से करना चाहिए, जो सम्यक रास्ता दिखाया गया है बुद्ध शासन में, उससे वो डिग रहा है, तो वो सम्यक रास्ते पर पुनः आ जाए, इसलिए अतीत कथा बनती है। तो यहाँ जो चर्चा है वो ये है कि जो पूर्व भार्या है भिक्षु की, उसके बारे में उसकी आसक्ति पुनः जागृत हुई है और उसका प्रबंधन करना है। तो यहाँ एक लिंक भी दिया गया है, एक कहा गया है कि इंद्रिय जातक जो 423 नंबर की कहानी है, अब ये कंडिन जातक है, ये 13वीं कहानी है, 13 नंबर की, और इसका जो जोड़ है, इसकी वर्तमान कथा जो है वो 423 नंबर की कहानी जो इंद्रिय जातक है उसमें ये कहानी बताई गई है। अब यहाँ की वर्तमान कथा में इतना लिखा गया है कि शास्ता भिक्षु को डराते हैं कि जिस औरत के बारे में तू सोच रहा है उसी औरत के चलते तुम बिना लपट वाले अंगारों पर पकाए गए थे। अब जहाँ कामाशक्ति होती है वहाँ मृत्यु, उसको दूर करने के लिए मृत्यु का अगर भय है, उसके सामने सारी आसक्तियाँ चली जाती हैं। तो भिक्षु सहम जाता है और जानना चाहता है कि कैसे अंगारों पर कैसे पकाया गया था, तब एक अतीत कथा की भूमिका बनती है, और वो अतीत कथा की आपको पता शैली जो रहती है, उसमें एक राज्य देना होता है, एक राजा का नाम होता है, और उसमें फिर बोधिसत्व का पता ठिकाना दिया जाता है। तो जो अतीत वत्थु है वो एक पूरी तरह से गढ़ी हुई कहानी है जिसका उद्देश्य है जो वर्तमान कथा की समस्या है उसको हल करना। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो राज्य का नाम दिया हुआ है वो दिया मगध राष्ट्र, और वहाँ की राजधानी उन दिनों राजगृह थे, तो मगध नरेश जो है वो राजगृह में रहते हैं, तो इसी का उल्लेख है कि मगध राजगृह की एक कहानी है, और उन दिनों
मगधवासी जो हैं वो हिरणों से बड़ा परेशान थे, क्योंकि हिरण आकर के वो सारी खेती चर जाते थे। अब जो पहाड़ी पर रहने वाले हिरण थे वो तो नीचे नहीं उतरते, लेकिन नीचे जो वाले हिरण हैं ऊपर जाते चरते रहते, और लौटते हुए जो है लौटते हुए वो खेती चरते हुए जाते थे। अब इसका उपाय मगधवासियों ने यूँ ढूंढा था कि जो शिकारी थे वो छुप करके बैठ जाते थे, और जैसे हिरण आते थे ये अपना तीर कमान लेकर के तीर चला करके उसको, या कोई जाल ऐसा बिछा के उसको पकड़ के। तो इसका वर्तमान कथा में जिक्र नहीं है, ये अतीत वत्थु में जिक्र है, क्योंकि मगधवासियों की ये मतलब परंपरा थी। मगधवासियों के किसान जो हैं वो इस तरह से उन हिरणों से उसका प्रबंधन करते थे। तो क्या होता है कि एक जो ग्रामवासिनी, यानी जो नीचे से एक हिरणी ऊपर गई है और चर चर के वापस लौट रही है, तो एक पर्वत का जो हिरण है, जवान हिरण है, वो उसके पीछे लग गया है। अब पीछे लग गया है तो जो जहाँ से सीमा शुरू होती है, जहाँ एक सीमा उसके नीचे वो वापस आते हैं और ये पर्वत वाले ऊपर चले जाते हैं, तो वो जो पर्वत वाला हिरण है वो फिर भी आगे अपनी सीमा को पार करके उसके पीछे पीछे काम आ सकता है। तो जो हिरणी है वो उसे कह रही है कि तुम कौन हो, और नीचे तो हिरण को मारने के लिए शिकारी होते हैं, तो वहाँ भय है, लेकिन वो हिरण जो है वो उसकी अनुरक्ति है और वो उसी अनुरक्ति में वो पीछे चलता रहता है। तो वो उसे कहती भी है लौट जाओ, परंतु वो नहीं मानता है, और इस जो हिरणी है इसको मानुष गंध मिलती है कि आगे उसे लगता है कि कोई आदमी, कोई शिकारी बैठा हुआ है। तो वो क्या करती है कि खुद स्लो हो जाती है और वो आगे निकल जाता है, और आगे निकलता है तो वो जो हिरण को मारने वाले बैठे हैं वो तीर चलाते हैं, और वो जवान हिरण जो है पर्वतवासी वो वहाँ मर जाता है, और हिरणी जो है वो भाग करके अपने ग्रुप में चली जाती। तो शिकारी आएगा, जाहिर है, आकर उसको काटेगा, मांस वगैरह उसका पकाएगा। तो उस लिखा है कि कुछ मांस उसका वहीं उसने जलाए, आसपास से लकड़ियाँ ला करके, और उसे भुना, और बाकी को अपने परिवार के लिए ले गया। तो इस तरह से अब यहाँ बोधिसत्व, देखिए बोधिसत्व का कहीं जिक्र नहीं है, अंत में जिक्र है कि बोधिसत्व एक वृक्ष देवता के रूप में मौजूद थे, और उन्होंने ये घटना देखी और सोचा कि अरे ये कैसा मूर्ख मृग है कि न तो माता पिता के लिए मरा, न देश के लिए मरा, हाँ ये अपनी काम लालसा में मर गया। तो यहाँ जो गाथा वो कहते हैं वो ये है, धीरत्थु कंडिनम सल्लम पुरिसम गाढ़ भेदिनम धीरत्थुतम जनपदम यत्तिथ परिनायिका तेचापि धिक्किता सत्ता ये इथीनम वसम गताते। अब इसका अर्थ जो है वो इस तरह दिया हुआ है कि बाण द्वारा जो गंभीर रूप से आघात पहुंचाने वाले मनुष्य हैं उनको धिक्कार है, शिकारी जो था उसको धिक्कार है, और उस जनपद को धिक्कार है जिसका संचालन स्त्रियां करती हैं, और जो प्राणी स्त्रियों के वशीभूत हो जाते हैं उन प्राणियों को भी धिक्कार है। अब इस प्रकार जो शास्त्रा ने जो निंदित वस्तुएं हैं उनको समेट कर धर्मोपदेश दिया, और अंत में जातक का मेल इस तरह से बिठा रहे हैं कि जो पर्वतवासी मृग था वो अब का ये उत्कंठित भिक्षु है, और जो हिरणी है वो पूर्व भार्या थी इसकी, और जो प्रत्यक्ष जो वृक्ष देवता देखने वाला था वो बोधिसत्व तो मैं ही था। अब इसमें जो शास्त्रा का मत है कि ऐसे भिक्षु को धिक्कार है जो स्त्रियों के वश में होकर मरता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्ध जो हैं वो नारी विरोधी हैं, और वो जैसे उसमें आया कि जनपद का जो संचालन स्त्रियां करती हैं तो उसको धिक्कार है, तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता है। ये उस समय उस भिक्षु को अब उस राह पर लाना है, ठीक करना है, इसलिए वो उदाहरण कथा के रूप में उसे दिया गया है कि भिक्षु जो है खामखा तुम अपनी जान गंवा बैठे थे, और अब फिर उसी तरह की आसक्ति में पुनः तुम
अपनी ये त्रिरत्न जो तुमने पाए हैं ये तुम बिला वजह खोदोगे, तो घर जो छोड़ आए हो अब यहाँ तो लाई नहीं जा सकती, और तुम उसी के अनुरक्ति में, उसी के राग में, उसी की मोह माया में तुम फंसे हुए अपनी साधना को व्यर्थ कर रहे हो। तो ये इस तरह से एक प्रबंधन उसका किया गया, ये प्रबंधन की ही कहानी बनती है। धन्यवाद। इस कहानी में बुद्धकीय प्रबंधन का संदेश पूरी तरह आज की नई पीढ़ी पर लागू है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को अपने जीवन के लिए एक उच्च आदर्श चुनने का आह्वान है। इसमें नए मित्र बनते हैं, नए प्रेम संबंध बनते हैं, और हर जगह सम्यक का निर्वाह करना ही उचित है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने जन्म स्थान और स्कूल का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। यह क्या कि जवानी खत्म कर दी, न परिवार के काम आई, न देश के काम आई। इसलिए अनुरक्तियों और आसक्तियों को सम्यक के अंतर्गत ही रखना, भूलना नहीं चाहिए। मृगी तो चेता देती है आगे खतरा है, जैसा इस कहानी में बताया गया था। फिर भी जो मर्यादा तोड़ने का दुस्साहस करते हैं, कामुकता व सीमाएं लांघ जाते हैं, उनके लिए समाज और देश विरोधी तत्व, आतंकवादी गिरोह, ड्रग्स तस्कर, नशीले पदार्थों और गैर कानूनी कामों का धंधा करने वाले शिकारी जाल फैलाए बैठे हैं। उन्हें ऐसे जोश में होश खो देने वाले हिरण ही तो चाहिए होते हैं।